हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। योगी के मंत्री ने बीजेपी की खोली पोल, कहा मैं गरीब की बात करता हूँ, ये मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने इस्तीफे की चेतावनी देते हुए कहा कि उनका मन अब बीजेपी से टूट गया है। वो जब भी गरीबों की बात करते हैं तो बीजेपी हिंदू मुस्लिम की बात करने लगती है। लखनऊ के रमाबाई मैदान में शनिवार को पार्टी की एक रैली में जनसभा को संबोधित करते हुए राजभर ने कहा, मेरा मन टूट गया है, ये यानी कि बीजेपी हिस्सा देना नहीं चाहते। जब भी गरीब के सवाल पर हिस्से की बात करता हूँ, ये मंदिर मस्जिद की बातें करते हैं और हिंदू मुसलमान की बातें करते हैं। योगी सरकार से इस्तीफे की चेतावनी देते हुए राजभर ने कहा, मैं सत्ता का स्वाद चखने के लिए नहीं आया हूँ, गरीबों की लड़ाई लड़ने आया हूँ। ये लड़ाई लड़ू या बीजेपी का गुलाम बनकर रहूं? एक कार्यालय आज तक नहीं दिया। मैंने तो मन बनाया कि आज इस मंच से घोषणा करूंगा, आज इस्तीफा देकर मानूंगा। बता दिए कि ओम प्रकाश राजभर पहले भी बीजेपी पर निशाना साधते रहे हैं। इससे पहले भी कई मौकों पर वे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पार्टी के नेताओं की आलोचना कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के राम मंदिर को लेकर दिए भड़काऊ बयान की आलोचना करते हुए कहा था, जो बिहार वाले नेता बयान दे रहे हैं, वो जिस रोड पर चलते हैं उसको उनके दादा बनाए हैं, वो जीटी रोड शेर शाह सूरी ने बनाया, एक नई सड़क बना के दिखा दे, बयान देना अलग बात है। गिरिराज सिंह ने कहा था कि मुसलमान मुगल के वंशज नहीं बल्कि प्रभु श्री राम के वंशज है, इसलिए ये लोग राम मंदिर का विरोध न करें और जो राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं वो भी समर्थन में आ जाए, वरना उनसे हिंदू नाराज हो जाएंगे। बीजेपी के आईटी सेल से लेकर सेना के जवान आईएसआई के जासूस बन रहे हैं और दोभाल बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। पीएम मोदी के करीबी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजित डोभाल ने इशारों ही इशारों में विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा है। गुरुवार को सरदार पटेल मेमोरियल लेक्चर में डोभाल ने कहा, भारत को अगले 10 साल तक मजबूत, स्थायी और निर्णायक सरकार की जरूरत है। कमजोर गठबंधन देश के लिए बेहद नुकसान पहुंचाने वाला होगा। अजित डोभाल ने आगे कहा कि अगर हमें बड़ी ताकत बनना है तो हमारी अर्थव्यवस्था भी बड़ी होनी चाहिए, वैश्विक स्तर पर प्रतियोगी होनी चाहिए और ऐसा तभी हो सकता है जब हमारी अर्थव्यवस्था तकनीकी रूप से आगे हो। अजित डोभाल अपने पूरे भाषण में अप्रत्यक्ष रूप से मोदी सरकार की कसीदे पढ़ते रहे। बातों ही बातों में अजित डोभाल ने मोदी सरकार द्वारा अंबानी ब्रदर्स को फायदा पहुंचाए जाने को भी जस्टिफाई कर दिया। डोभाल ने कहा, देखिए चीन की अलीबाबा और अन्य किस तरह बड़ी कंपनियां बन गई, चीन की सरकार ने उन्हें कितना समर्थन दिया। हम चाहते हैं कि भारतीय निजी क्षेत्र की कंपनियां अच्छा प्रदर्शन करें और भारत के रणनीतिक हितों को बढ़ावा दें। डोभाल के इस बयान पर सोशल मीडिया से लेकर मेनस्ट्रीम मीडिया तक में सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सवाल ये कि अजित डोभाल एनएसए है या बीजेपी प्रवक्ता। लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल ने अजित डोभाल पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अजित डोभाल राजनीति बतियाने लगे, चीन पीओके में पाव जमा चुका है, ग्वादर हबनटोटा हमारे गले की फांस बन चुके हैं, रूस पाक की नजदीकियों से जाचा परखा मित्र छटक गया है, भाजपा के आईटी सेल से लेकर सैन्य जवान व एचएएल कर्मचारी पाकिस्तान के जासूस बन रहे हैं और एनएसए बीजेपी प्रवक्ता बने हुए हैं। सरदार पटेल की प्रतिमा का विरोध हुआ तेज, आदिवासियों ने पीएम मोदी के पोस्टर पर पोती काली। गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के उद्घाटन का विरोध अब तेज हो गया है। प्रतिमा का विरोध कर रहे जनजातीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तस्वीर वाले पोस्टरों को फाड़ दिया है, साथ ही कुछ पोस्टरों पर काली भी पोती है। शनिवार को एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि पूरे जिले में प्रदर्शनकारियों द्वारा पीएम मोदी, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और समारोह की तस्वीर वाले 90% पोस्टरों को फाड़ दिया गया या उन पर काली पोत दी गई। एक जनजातीय नेता प्रफुल्ल वसावा ने कहा, ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि जनजातीय समुदाय बीजेपी से कितना असंतुष्ट है। उन्होंने जनजातीय समुदाय के सबसे बेशकीमती संसाधन, उनकी जमीनों को कथित विकास कार्यों के लिए छीन लिया। उन्होंने कहा, अधिकारियों ने फटे पोस्टरों को नए पोस्टर से बदल दिया है और पुलिस इन पोस्टरों की सुरक्षा कर रही है। ये दुनिया में शायद पहली बार हो रहा है कि किसी प्रधानमंत्री के पोस्टरों की सुरक्षा पुलिस द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा,
नर्मदा के जनजातीय समूह साल 2010 से इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं और अब पूरे प्रदेश की जनता इसके विरुद्ध है। इस परियोजना से प्रभावित जनजातीय समुदाय के लगभग 75,000 लोगों ने स्टैचू का विरोध करने के लिए 31 अक्टूबर को बंद बुलाया है। प्रफुल्ल वसावा ने कहा, बनासकांठा से डांग जिले तक 9 जनजातीय जिले इस प्रदर्शन में शामिल होंगे और बंद केवल स्कूलों, कार्यालयों या व्यापारिक प्रतिष्ठानों तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि घरों में भी खाना नहीं बनेगा। परंपरा के अनुसार जनजातीय गांवों में जब लोगों मौत का शोक मनाते हैं तो उनके घरों में खाना नहीं पकता है। उन्होंने आगे कहा, जनजातीय के रूप में सरकार ने हमारे अधिकारों का हनन किया है। गुजरात के महान सपूत के खिलाफ हमारा कोई विरोध नहीं है, सरदार पटेल और उनकी इज्जत बनी रहनी चाहिए। हम विकास के भी खिलाफ नहीं है, लेकिन ये परियोजना हमारे खिलाफ है। बता दें कि सरदार पटेल की जयंती पर आगामी 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन करेंगे। विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच नर्मदा नदी के साधु बेट टापू पर बनी दुनिया की सबसे ऊंची इस प्रतिमा को बनाने में करीब 2,389 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। राफेल पर एनसीपी से अलग हुए तारिक अनवर ने थामा कांग्रेस का हाथ, राहुल गांधी ने किया स्वागत। हाल ही में नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी को अलविदा कहने वाले वरिष्ठ नेता तारिक अनवर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने तारिक अनवर का पार्टी में स्वागत किया। अनवर 5 बार बिहार के कटिहार से संसद रह चुके हैं। उन्होंने हाल में पार्टी प्रमुख शरद पवार से मतभेदों के चलते एनसीपी से इस्तीफा दे दिया था। माना जा रहा है कि वह कांग्रेस के टिकट पर अगला लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट से यह भी खबर आ रही है कि वे लालू प्रसाद यादव के सहयोग से महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे। अनवर की एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मतभेद की वजह राफेल डील पर उनका पीएम मोदी का साथ देना था। उन्होंने एनसीपी से इस्तीफा देने के बाद कहा था, जब राफेल मामले में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ विपक्ष आवाज उठा रहा है तो पवार साहब यानी कि राकांपा प्रमुख प्रधानमंत्री का बचाव करने वाला बयान दे रहे हैं। ऐसे में मैंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया। मैंने लोकसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। जब से उन्होंने शरद पवार का 19 साल पुराना साथ छोड़ा, तभी से कांग्रेस उनके स्वागत के लिए तैयार थी। उनका नाता कांग्रेस से बेहद पुराना है। इसी पार्टी से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। साल 1976 में वे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और साल 1980 में बिहार के कटिहार से कांग्रेस के टिकट पर पहली बार सांसद बने। उन्होंने 1999 में कांग्रेस का दामन छोड़ दिया था। अनवर ने शरद पवार और पीए संगमा के साथ मिलकर एनसीपी का गठन किया। सभी ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर पार्टी छोड़ी। बताया ये भी जाता है कि सोनिया गांधी के सीताराम केसरी के साथ किए बर्ताव के कारण अनवर ने पार्टी छोड़ी थी। मोदी और शाह के जासूसों की अक्ल देखिए, जेब में आइडेंटिटी कार्ड लेकर वर्मा की जासूसी कर रहे थे। गुरुवार सुबह पूर्व सीबीआई चीफ आलोक वर्मा के दिल्ली स्थित आवास के बाहर से 4 लोगों को पकड़ा गया। इन सभी पर आलोक वर्मा की जासूसी करने का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया है और इनसे पूछताछ कर रही है। हिरासत में लिए गए लोगों ने अपनी पहचान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी के तौर पर दी है। पकड़े गए लोगों का नाम प्रशांत कुमार, विनीत कुमार गुप्ता, अजय कुमार और धीरज कुमार सिंह है। इन सभी ने अपनी पहचान के तौर पर सीजीएचएस और आधार कार्ड दिए हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी के इस तरह से पकड़े जाने को लेकर सोशल मीडिया पर खूब मजाक बन रहा है। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने लिखा है कि राजीव जैन देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार संस्था आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ है। उनके जासूसों को आज सीबीआई की पूर्व चीफ आलोक वर्मा के सुरक्षा कर्मियों ने जितने अपमानजनक तरीके से पकड़ा और घसीट कर कॉलर पकड़ कर ले गए, उससे देश की प्रतिष्ठा घटी है। पकड़ना तो ठीक है, घसीटना नहीं चाहिए। इन जासूसों की अक्ल देखिए, जेब में आइडेंटिटी कार्ड लेकर जासूसी कर रहे थे। मिस्टर जैन, ये शर्मनाक है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईबी के सूत्रों का कहना है कि वो उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों में अपने कर्मचारियों को नियमित गश्त के लिए तैनात करती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निवास है। ये कर्मचारी नियमित गश्त पर थे और इन पर गलत आरोप लगाया जा रहा है कि वे वर्मा की जासूसी कर रहे थे। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप अपना कुछ फीडबैक या सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर दे सकते हैं।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड द न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता चल सके। तो देश दुनिया की सनसनीखेज और मजेदार खबरों के लिए देखते रहे माइंड द न्यूज। नमस्कार।